हेलो फ्रेंड, दिस इज़ मोनिका। आज हम लोग करने जा रहे हैं प्रिटेरिटो। तो प्रिटेरिटो हमने लास्ट टाइम हेल्पिंग वर्ब का किया था, आज हम रेगुलर वर्ब का करेंगे। तो बेसिकली प्रिटेरिटो होता क्या है? प्रिटेरिटो होता है पास्ट टेंस, यानी कि अगर हम किसी पास्ट इवेंट को डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो जर्मन में हम प्रिटेरिटो यूज़ करते हैं, पास्ट टेंस को ही प्रिटेरिटो बोलते हैं। जैसे कि हमारा इंग्लिश में था, हम एक सेंटेंस बनाते थे प्रेजेंट में, आई ईट एन एप्पल, और आप पास्ट में बनाते थे आई एट एन एप्पल। तो आप क्या करते थे, ईट का पास्ट टेंस लगा देते थे, राइट? आई एट एन एप्पल का मतलब मैंने एप्पल खाया, और आई ईट एन एप्पल का मतलब मैं एप्पल खाती हूँ, ये खाती हूँ और ये मैंने खाया। तो हम जब हम पास्ट इवेंट की बात करते हैं, जैसे मैंने आपसे पूछा कल आपने क्या किया, आपने बोला मैंने एक एप्पल खाया या मैं बाहर घूमने गई, तो आप पास्ट टेंस के बारे में बता रहे हो। तो हम क्या करते हैं, जो प्रेजेंट वाली वर्ब होती है उसका जो पास्ट टेंस होता है वो हम यूज करते हैं। तो ऐसे ही जर्मन में होता है। तो हेल्पिंग वर्ब का प्रिटेरिटुम तो हम कर चुके हैं, अब हम बात करते हैं रेगुलर वर्ब का। तो प्रिटेरिटुम के अंदर फर्दर दो कैटेगरी डिवाइड होती है, रेगुलर एंड इरेगुलर। प्रिटेरिटुम वर्ब में अगेन दो कैटेगरी डिवाइड होती है, रेगुलर एंड इरेगुलर। ठीक है, वर्ब्स तो और भी होती हैं जो पास्ट टेंस में होंगी, लाइक मोडाल वर्ब, ट्रेंड बार, बट अभी मैं मेनली रेगुलर और इरेगुलर को डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ। तो रेगुलर में ऐसा क्या होता है और इरेगुलर में ऐसा क्या होता है? रेगुलर में एक फिक्स पैटर्न होता है जो आपको फॉलो करना है, और इरेगुलर में आपको वर्ब याद करनी पड़ेगी कि इसका पास्ट ये होता है और उसके ऑर्डिंग आपको फॉलो करना है। ठीक है, नो फिक्स पैटर्न। अब बात करते हैं, ये तो हमें पता चल गया कि रेगुलर में फिक्स पैटर्न होता है और इरेगुलर में नो फिक्स पैटर्न। अब आप मुझसे पूछेंगे जो हमने प्रेजेंट में रेगुलर वर्ब की है क्या वही पास्ट टेंस में रेगुलर होती है? ऐसा कुछ नहीं है। तो जो आपने प्रेजेंट में याद किया उसे प्रेजेंट में भूल जाओ, जब पास्ट में आप करोगे तो पास्ट का एक अलग कैटेगरी है कि ये रेगुलर वाली है और ये इरेगुलर वाली है। तो रेगुलर वाली में मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगी जिससे आपको पूरा फॉलो करना है, ठीक है, और इरेगुलर को आपको याद ही करना पड़ेगा, देर इज नो शॉर्टकट। तो अगर मैं बात करूँ जैसे, हाँ, रूल नंबर वन पास्ट टेंस का प्रिटेरिटुम का, कि इश और एयर्स ये सेम होते हैं। जैसे मोडाल वर्ब में होते थे ना प्रेजेंट में, ऐसे यहाँ पर इश और एयर्स ये की कॉन्जुगेशन सेम होती है, आ सेम। ठीक है, यहाँ कॉन्जुगेशन सेम होती है। अब बात करते हैं, मान लो हमारी कोई वर्ब है, फिक्स पैटर्न का मतलब क्या है? जैसे मान लो हमारी वर्ब है स्पीलन, ये हमारी प्रेजेंट में है जिसका मतलब होता है टू प्ले, लेकिन अगर मुझे इसे पास्ट टेंस बनाना है तो मुझे कुछ नहीं करना, लास्ट थर्ड लेटर पे से ये है स्पील तो लिखा ही, उसके बाद टी लगा दो, स्पील टन कर दो इसको, स्पीलन का पास्ट हो जाता है स्पील टन। अब ये रेगुलर इरेगुलर का मतलब क्या होता है? जैसे इंग्लिश में हमारी वर्ब होती है डिसाइड, ठीक है, तो आप इसको पास्ट बनाते तो क्या बनाते, तो डिसाइडेड, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूँ ईट, ईट का क्या हो गया? एट। तो जैसे आपने प्रेजेंट में बनाया डिसाइड का डिसाइडेड कर दिया, मतलब पूरी वर्ब सेम आई है, सिर्फ डी आपका लग गया, तो ये इसका पास्ट टेंस बन गया। तो ये इंग्लिश की रेगुलर है और ये इंग्लिश की इरेगुलर है, और ईट में क्या हुआ? ईट का एट हो गया, ईट का एट बन गया, डिसाइड का डिसाइडेड हो गया, तो ये बिल्कुल डिफरेंट हो गई। तो ये हमारी इरेगुलर वर्ब हो गई इंग्लिश की, और ये रेगुलर हो गई। रेगुलर में क्या होता है, एक फिक्स पैटर्न होता है, बस उसमें हल्का सा चेंज होता है, वो भी एंड में, ठीक है। तो स्पीलन हमारी प्रेजेंट है जिसका मतलब टू प्ले है, इसका मुझे पास्ट टेंस बनाना है तो कुछ नहीं करना, लास्ट थर्ड लेटर में टी घुसा देना है, स्पील टन जिसका मतलब हो गया प्लेड, बेसिकली पास्ट टेंस बन गया प्लेड। अब हमें इसकी कॉन्जुगेशन करनी है, तो हमें हमें इन्फिनिटिव फॉर्म मिल गया पास्ट टेंस का, दैट इज स्पील टन। तो अब जब हम कॉन्जुगेशन करेंगे, इश टू एयर जी एस वियर जी जी एंड ईयर, तो इश के केस में क्या करेंगे, इश की कॉन्जुगेशन क्या है? कि अब मैंने एक कॉन्जुगेशन आपको प्रेजेंट में बताई थी रेगुलर में, कि अगर लास्ट थर्ड लेटर टी होता है तो ई भी कैरी होता है। पहले तो हम इश की कॉन्जुगेशन लगाएंगे, इश स्पील्ट, राइट, ये आ जाएगी डू। अब रूट उठाई आपने, ये रूट है, टी है तो ई एस टी आएगा स्पील टेस्ट, एयर जी एस, अब स्पील्टट नहीं होगा स्पील्ट ही होगा, क्योंकि मैंने क्या बताया था, इश और एयर जी एस सेम होता है पास्ट टेंस में,
VSEG में एक्चुअल फॉर्म स्पील टन एंड ईयर में स्पील टेट। टी है तो ई टी आएगा, ई कैरी होता है। जब मैंने बताया था लास्ट सा लेटर टी या डी हो तो ई कैरी होता है। तो रेगुलर की पास्ट टेंस में, अगर पास्ट टेंस का रेगुलर देखा जाए तो हर जगह टी है, तो आपकी यही कॉन्जुगेशन फॉलो होगी, स्पील्ट और एजियस स्पील्ट ये सेम रहेगा, डू स्पील टेस्ट स्पील्टन स्पील्टेट, राइट। तो इसका बेसिकली मतलब हुआ आई प्लेड, मैंने खेला, ठीक है। ईडी आ गया, जैसे इंग्लिश में हम प्ले का प्लेड कर देते हैं, रेगुलर वर्ब है पास्ट टेंस का, ऐसे यहाँ पर स्पीलन का स्पील्टन कर देते हैं, स्पील्ट डू स्पील टेस्ट एजिय स्पील्ट वी स्पील्टन ईयर स्पील्टेट, क्लियर है। ये पास्ट टेंस बन गया। जैसे मैं बोलना चाहती हूँ कल मैंने फुटबॉल खेला, तो मैं क्या बोलूंगी सेंटेंस, इश स्पील्ट गेस्टन फुसबॉल, राइट। स्पील्ट गेस्टन फुसबॉल, ये हमारा ये हो गया, राइट। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने वर्ब ली माखन, तो बताओ माखन का मतलब होता है टू डू, ये प्रेजेंट है, तो इसका पास्ट टेंस क्या बनेगा, मार्क टन, तो इश मार्क डू मार्क टेस्ट एजीएस मार्क वियर जीजी मार्क टन एंड ईयर मार्क टेट, ठीक है। तो इसके साथ क्या क्या, मार्क ट जो ई आता है, तुम्हें मार्क टेस्ट एजीएस सेम होता है तो मार्क ट मार्क टेन मार्क टेट, राइट। तो इसका मतलब है आई डिड, यानी कि इश मार्क ट माइन हाउस ऑफ गाबा, इश मार्क्ड माइन हाउस ऑफ गाबा, आई डिड माई होमवर्क, राइट। तो रेगुलर वर्ब में अगर आप पास्ट टेंस बनाएंगे तो आप ऐसे बनाएंगे, आप प्रेजेंट को लो, उसमें लास्ट लेटर में टी डाल दो, फिर उसकी कॉन्जुगेशन करो, और टी का आपको रूल पता ही है कि ई भी फॉलो होता है, पहली बात तो इश और एजियस सेम होगा, तो इश मार्क्ड एजियस मार्क्ड ये अलग निकल गए, डू में बचा और वी एस जी जी में एक्चुअल फॉर्म आती है मार्क टू, डू में बचा तो मार्क टेस्ट हो जाता है, टी एस टी जस्ट नहीं आएगा, TEST आएगा, एंड ईयर में भी मार्क टेट हो जाएगा, राइट। अब मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि जब आप बुक में पढ़ रहे होंगे, तो अगर आपकी आपको दिया हुआ है, जैसे आपकी वर्ब है स्पीलन, ठीक है, ये प्रेजेंट दिया हुआ है, फिर आपको ऐसे कुछ लिख के दिया होगा स्पील्ट, देन दिया होगा गे स्पील्ट, मतलब जब आप याद करोगे, जैसे हम इंग्लिश में करते थे ना ईट एट ईटन, तो यहाँ पर होगा स्पीलन स्पील्ट गे स्पील्ट, तो ये तो आपकी इन्फिनिटिव फॉर्म हो गई, प्रेजेंट में फिर हम अपने अकॉर्डिंग कॉन्जुगेट करते हैं। जो ये वाली है ना, ये प्रिटेरिटुम तो है लेकिन ये इन्फिनिटिव फॉर्म नहीं है प्रिटेरिटुम की, ये इश वाली कैटेगरी है, इश या एजीएस वाली, क्योंकि ये तो सेम ही होते हैं। उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लो, और ये तो पेपे है पार्टिसिप परफेक्ट, है ना, जैसे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होती थी, ये आपकी पार्टिसिप परफेक्ट है। तो अभी हम प्रिटेरिटम की बात करें, तो अगर आपके बुक में ये दी हो तो दैट मीन्स ये समझ लेना, मैंने तो आपको ये सिखा दिया ये बनी कैसे, ठीक है, आपको कैसे पास्ट टेंस बनाना है, अगर कोई रेगुलर वर्ब है और उसका पास्ट टेंस बनाना है जो प्रिटेरिटम की रेगुलर है उसका पास्ट टेंस बनाना है, तो ऐसे लास्ट से लेटर टी लगा दो और कॉन्जुगेट कर दो। और अगर आपको बुक में ऐसे दी हुई है तो वो समझो इश दिया हुआ है, यानी कि आपको इश दिया हुआ है स्पील्ट, ठीक है। अब आपको उसको डू बनाना है, तो डू कैसे बनाओगे, डू स्पील टेस्ट, आपकी रूट यही है, उसके बाद अपने रूल फॉलो करो, एजीएस स्पील्ट वीएसजीजी स्पील टन स्पील टन, आपको वही लगाना है कि आपकी इन्फिनिटिव पास्ट टेंस की स्पील टन है, ठीक है, आपकी रूट ये है, ईएन लगेगा, एंड ईयर स्पील टेट,
क्लियर है? ई स्पील्टर, दू स्पील्टस, एज इज स्पील्टर, वी एज इज स्पील्टन एंड ईयर स्पील्टर, ये हमारा इसका मतलब हो गया आई प्लेड, राइट? तो जब आपको दिया होगा तो ये इश की कॉन्जुगेशन, इश और एज एस की कॉन्जुगेशन दी होगी। आपको दू बनाना है तो रूट उठाओ, SPIELT, उसके बाद EST लगा दो क्योंकि टी है, टी के साथ ई भी कैरी होता है। वी एस जी एक्चुअल फॉर्म है स्पील्टन, ईयर स्पील, राइट? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रिटेरिटम इरेगुलर वर्ब का करेंगे।